वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हरिताल का तीज व्लॉग है ये। तो शाम की पूजा की तैयारी यहाँ पे मैं कर रही हूँ और बहुत दिनों के बाद। और आपने मुझे मतलब साड़ी वेयर की हुई देखा होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे तो मैं वैसे भी साड़ी नहीं पहनती। और आज भी मुझे पूरे एक घंटे लग गए थे ये साड़ी पहनने को, फिर भी परफेक्शन नहीं आया। क्योंकि एक तो पहनती भी नहीं हूँ मैं हमेशा, तो उसके लिए मैं हैबिट नहीं है। तो बहुत टाइम लग गया था, तो मैंने आँचल को खुला ही छोड़ दिया था। मैं सोच रही थी, मैं क्योंकि एक तो फास्टिंग सुबह से पूरे दिन निर्जला व्रत, बिना पानी बिना खाना के, तो मतलब कैरी नहीं हो पा रहा था। तो मैं फिर सोच रही थी कि मैं पल्ला कर लूँगी अच्छे से, मतलब पिनअप कर लूँगी, बट नहीं हो पाया। तो लास्ट में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि शाम हो रही थी और पूजा का टाइम भी हो रहा था। और यहाँ हमारे ओरियो जी भी साथ में पूजा भी देखते हैं बहुत आराम से। मैक्स को हमने बांध के रख दिया था, मतलब रूम में, मतलब बांधा नहीं था, मतलब रूम में बंद कर दिया था, क्योंकि वो ना अभी छोटा है, वो सब कुछ आके इधर उधर कर देता। और ये बहुत समझदार है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, चुपचाप ये बैठ के देख रहा था। मुझे तो खास करके ना गौर से देख रहा था, क्योंकि थोड़ा अलग मैं लग रही थी। तो ये है, मम्मी भी तैयार होकर आ गई थी, तो यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है। और शादी के 11 साल में फर्स्ट टाइम मम्मी मतलब सासू माँ के साथ ये तीज पूजा है मेरी, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था। क्योंकि हर साल तो मैं मतलब तीज में तो एक दो दिन के लिए तो नहीं आ सकते थे उतने दूर से। पिछले साल मैं थी तीज में अंडाल में, तो मुझे पूजा ही नहीं करनी थी, तो इसलिए मैं नहीं आई थी यहाँ जसीडी। तो मैं इस बार मम्मी के साथ ये पूजा मैंने सेलिब्रेट की। और टीका और नथिया, जिसका शौक़ मुझे इतना है कि क्या ही मैं बताऊं, मुझे पहनने का बहुत शौक़ है। मतलब तीज त्यौहार में तो मैं, क्योंकि बाहर रहते थे तो ये सब चीज़ें नहीं रखते थे अपने पास, तो अब घर पे आ गए हैं तो लॉकर से मंगवा के और पहन लो, उसके बाद वापस डाल दो, तो ऐसा है। तो ये मैंने वेयर किया था। और ये साड़ी का भी ना एक अलग ही सीन है। क्या है ना कि ये साड़ी मेरी नई है, मतलब नई है, बिल्कुल नई है, मैंने एक दिन भी नहीं पहना है इसको। वैसे ये मैंने तीज में नहीं ली है, मतलब इस साल मैंने नहीं ली है, ये लेके मैंने रखा हुआ था। मैं मुझे वैसा कुछ ओकेज़न मिला ही नहीं पहनने को, तो लेकिन इस साल मैंने सोचा कि चलो फिर फालतू का क्या खर्च करना, अभी घर में शादियाँ हैं, दो दो शादी होने वाली है घर में, तो उस समय लेंगे। तो ये साड़ी मैंने वेयर कर ली, ये नेट की साड़ी थी। तो कैसा लगा आपको बताइएगा। बस बैंगल्स जो थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो वो मैंने नया ले लिया था अच्छे से सेटिंग मतलब इसकी करके। और इतनी जल्दबाजी हो रही थी ना तैयारी होने में, मतलब तैयार होने में मेरी, कि मैंने एक हेयर स्टाइल भी कुछ सोचा था, बट नहीं मैं कर पाई। क्योंकि एक आप समझ सकते हो, एक तो भूखे पेट वैसे भी मतलब बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मैंने बस पोनी कर ली थी। तो ये है। और पति देव नहीं थे, मतलब घर पे नहीं थे, वो रात में आए थे, रात के 9-10 बजे, तो वो इस लुक में भी मुझे नहीं देख पाए थे, इसका मुझे थोड़ा सा खेद है। लेकिन कोई नहीं, आजकल डिजिटल ज़माना है, तो मैंने व्हाट्सएप मतलब वीडियो कॉल पे उनको अपना लुक दिखा दिया था, तो ऐसा है। तो यहाँ पूजा की सारी तैयारियाँ हो रही हैं, और शिव जी और पार्वती जी की जो फ़ोटो है उससे हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो बस शिव जी और पार्वती की जैसी हमारी जोड़ी बनी रहे, बस ऐसी ही दुआ करते हैं शिव शंभू से, अपने भोलेनाथ से। तो ये है। और सरगी मैंने 4 बजे उठ के खाई थी सुबह, दही और छेना, मतलब जो रसगुल्ला होता है वो। दही इसलिए कि दही खाने से ना प्यास नहीं लगती है, तो वैसे तो मुझे इस बार पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला, मतलब प्यास नहीं लगी। और मतलब इवन जब हमने पारण किया था अगले दिन सुबह, उस समय भी मुझे प्यास नहीं लग रही थी। मतलब मैं अगर मैं चाहती तो 10-11 बजे तक मैं फिर वापस मतलब रह सकती थी सुबह तक, लेकिन 6 बजे के बाद पूजा वगैरह करके हमने शरबत वगैरह पी लिया था, तो ऐसा है। मम्मी भी बोल रही थी कि इस बार नहीं फील हुआ, मतलब प्यास नहीं लगी। क्योंकि देखो फास्टिंग में ना क्या होता है ना कि भूख नहीं लगती है, अगर आप पानी छोड़ोगे ना तो पानी का वैल्यू मतलब पता चलता है। ऐसा मतलब जब आप निर्जला व्रत रखोगे ना तो आपको पानी का वैल्यू पता चलेगा, क्योंकि खाना तो आदमी छोड़ सकता है। कि कभी कभी आप देखोगे, कभी घर में भी आप रहते हो तो कभी खाना खाने में लेट हो जाए तो भूख उतनी नहीं लगती जितनी कि प्यास लगती है। तो ये है। तो बहुत अच्छे से हमारा तीज व्रत हो गया था, यहाँ पूजा वगैरह हो गई थी मेरी, उसके बाद मैंने कथा किया, कथा भी अच्छे से
मम्मी ने बैठ के सुना, सारे बच्चे बैठे हुए थे, आयु, वसु, सानवी, भव्या सब बैठे हुए थे, और ओरियो भी देखिए आपको पूरे फ्रेम में ओरियो दिखेगा, बिल्कुल शांत होके देख रहा था चुपचाप क्या हो रहा है, बिल्कुल शांत हो गया। और जब मैंने मैक्स को खोला था पूजा के बाद, उसके बाद तो वो मेरी साड़ी के पीछे पड़ गया था, फिर उसको वापस मुझे बांधना पड़ा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़े बहुत रील्स मैंने बनाए थे इस लुक में, तो वो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी इंस्टाग्राम की आईडी। और मेकअप लुक भी है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दे दूँगी, ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था खुद से ही किया है, जैसा भी किया होगा अच्छे से आप लोग देखना, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो यहाँ मैं कथा कर रही हूँ, कथा करने के बाद हम लोग आरती वगैरह करेंगे, उसके बाद हमारी इस समय की पूजा हो जाएगी, मतलब शाम की, तो शाम में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही जैसे नॉर्मली पूजा होती है ना, वैसे ही नॉर्मली ही पूजा, इसमें बस फल वगैरह चढ़ा के, दीप धूप ये सब करके, और कथा वगैरह करके, और भजन, मैंने दो भजन गाए थे मम्मी के साथ मिलके। और पता है ना, मुझे ना बहुत सारे भजन आते थे, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि जब हम लोग, मतलब मैं बठिंडा में थी तो वहाँ कीर्तन वगैरह होता था, तो मैं भी बहुत सारे भजन गाती थी और वहाँ बहुत सारे भजन होते थे, तो मुझे याद थे, बट जब गाने का समय आता है ना तो भूल जाते हैं लोग, कि मतलब मैं भूल गई थी कि क्या ही गाऊँ, कौन सा गाऊँ, फिर भी कैसे कैसे याद करके मैंने दो भजन गाए। और उसके बाद एक आरती गा दी शिव शंभू की, बस हो गया पूजा हमारा। और प्यास से, मतलब प्यास से ना जैसे गला सूखा हुआ था ना, तो खांसी भी बहुत आ रही थी, तो ज़्यादा भजन कीर्तन नहीं हो पा रहा था, तो ऐसा है। और मेकअप लुक तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, वैसे बहुत सटल सा, बहुत सोबर सा लुक है, बहुत हाई फाई मैंने नहीं किया था, करने को कर सकते थे, बट वही मैं बार बार बताऊंगी तो आप कहोगे कि एक ही बात को, लेकिन ऐसा है। और हमारे यहाँ तीज त्यौहार में नाक पे से सिंदूर लगाते हैं, जो कि मम्मी अभी मुझे लगाई, उसके बाद मैंने मम्मी को लगाया, तो ये है, बहुत अच्छा लगता है पीला पीला सिंदूर। अब इसके लिए अभी मुझे कोई गवार बोलेगा, जो भी वीडियो देखेंगे अगर वो गवार बोलेंगे तो बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे बड़े भरे मांग जो सिंदूर लगते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, और तीज त्यौहार में ऊपर से जब नाक के ऊपर से जब सिंदूर लगता है ना, तो रौनक बढ़ जाती है, चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है, तो हमारा ये कल्चर है, तो जिसको जो सोचना है, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बट हमारा ये कल्चर है। तो ये देखिए यहाँ मैं साड़ी, मैंने बस पल्ला बस एक पिन किया था, पिन अप कर लिया था, क्योंकि मैं पल्ला कर ही नहीं पाई थी, मुझसे हो ही नहीं रहा था, और तो ऐसा है, साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, साड़ी बहुत अच्छी, मतलब इसको क्या कहेंगे, कौन सा कलर है, पिंक तो नहीं कहेंगे, मतलब पिंक में ही बहुत सारा पिंक होता है ना, तो वो वैसा वाला पिंक है, तो ये है। तो यहाँ बस हमारी पूजा वगैरह हो गई थी, तो यहाँ मैं मतलब अपना आशीर्वाद वगैरह मांग रही थी अपने शंभू से, अपने भोले बाबा से, तो ये है। और साड़ी पहन के बार बार उठना बैठना बहुत मुश्किल है, हैट्स ऑफ टू मतलब ऐसी जो भी लेडीज़ हैं जो साड़ी पहन के 24 घंटे रहती हैं, उनको हैट्स ऑफ है भाई, हमारे को तो मतलब 10-15 मिनट भी पूजा करने को आफत हो गई थी, मतलब क्या ही मैं बोलूं। और देखिए मैंने पैर में भी महावर लगाया है, तीज त्यौहार में हम पैर में महावर लगाते हैं, जो रंग होता है आलता होती है, वो बड़ा सुंदर लगता है ये सब चीज़, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, बहुत शौक है मुझे इन सब चीज़ों का, मेहंदी का, महावर लगाने का। ये था मेरा तीज लुक, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, मैंने आपके साथ शेयर किया बहुत जल्दबाजी में मेकअप क्रिएट किया था, तो कैसा लगा बताइएगा। और ये मेरी शादी का टीका है, नथिया है, तो वो मैंने पहले मैं नहीं पहन पाती थी, क्योंकि मैं बाहर रहती थी तो ये सब रखते नहीं थे, और ये वाली साड़ी वेयर की थी, तो ऑल ओवर लुक आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रही बैंगल, मेहंदी, तो ऐसा कुछ, ये मेरी मिस लगाई थी। तो अब चलते हैं साड़ी वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पति देव तो ड्यूटी में है, तो उनसे वीडियो कॉल पे बात हो गई है, उन्होंने अपना लुक दिखा दिया है, अब चलते हैं रिलैक्स करने, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो चलिए चलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस, तो सुबह की पूजा हो गई है, तीज व्रत पूरा हुआ बहुत अच्छे से, वैसे तो हर साल मैं शाम में जब पूजा करती थी तो पानी पी लेती थी, मतलब शरबत, लेकिन इस बार पता ही नहीं चला, तो अब
सारा कुछ यहाँ पे उठा दिया है मतलब विसर्जित करने के लिए, तो वो विसर्जित हो जाएगा, फिर हम पानी पियेंगे पतिदेव के हाथ से। पतिदेव रात में आ गए हैं तो उनको उठाएंगे, पानी पियेंगे। तो ये था तीज व्लॉग, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूँ। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा वीडियो में। और जो नया है चैनल पे वो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। इसके साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।